हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए, यूपी पुलिस एसआई 2016 ये जो भर्ती है ये चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है। इसके लिए जो एग्ज़ाम लिए गए थे, इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था जुलाई के महीने में, वो कुछ कारणों से जो है कैंसिल कर दिया गया था। किन कारणों से ये आपको पता है। अब उसके बाद री एग्ज़ाम की डेट के लिए काफ़ी जो अफवाह उड़ी कि री एग्ज़ाम इस डेट को हो रहा है, इस डेट को हो रहा है। तो अभी तक किसी के पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी, लेकिन एक ऑथेंटिक न्यूज़ आ रही है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बना दिया और प्रूफ भी उसमें है। न्यूज़पेपर है अमर उजाला का, कल का जो एडिशन है 24 अक्टूबर का, उसमें लिखा हुआ है कि 15 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में ये जो परीक्षा होगी ये फिर से होगी। और इस बार जो मतलब कि जो संस्था थी, जिस संस्था ने पिछली बार एग्ज़ाम लिया था, वही संस्था इस बार भी परीक्षा करवा रही है। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एक अफवाह बीच में ये भी उड़ी थी कि जो रिटर्न एग्ज़ाम है जो पहले 400 नंबर का था, अब वो नहीं होगा, अब 300 नंबर का होगा। तो ये खबर भी गलत है। एग्ज़ाम जो रिटर्न होगा वो 400 नंबर का ही होगा। अब मैं पुलिस एसआई के लिए, मतलब यूपी पुलिस एसआई के लिए अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको फुल सिलेबस जो है कवर करवाऊँगा, A to Z। उसमें जैसे कि जितना भी सिलेबस आपका, मैं पूरा आपको कवर करवाऊँगा और साथ ही आपको मैं PDF भी दूंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप मुझे टेलीग्राम, मेरा जो चैनल है t.me/ आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। अगर उस पर ज्वाइन करते हैं तो PDF सीधे आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपके पास मतलब ये तरीका नहीं है, आप समझ पा रहे हैं, तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उस पर सारे लिंक अवेलेबल रहेंगे। वहाँ से जाके डायरेक्टली आप सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब जो है परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत सही समय आ चुका है, क्योंकि परीक्षा की तिथि आ चुकी है, तो अब देर नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि तैयारी से पहले मैं फुल सिलेबस और फुल क्राइटेरिया टू सिलेक्शन के बारे में एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। देखिए, यूपी पुलिस एसआई के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेज पे है। पहला तो ये होगा कि ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, इससे आप एक बार गुजर भी चुके हैं, इसलिए दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस में आपको बता रहा हूँ आगे। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST के नाम से जाना जाता है। जो लोग ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन में पास होंगे वही लोग PST में गुजरेंगे, PST के दौर से। और जो लोग PST क्वालिफाई करेंगे उनका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसको PET के नाम से जानेंगे। ये 3 स्टेज है, उसके बाद आप जो है पुलिस में SI सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए, PST में क्या होता है, PST जो मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा, इसके बारे में तो आपको पता है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। जनरल OBC के लिए जो है ये 168 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए और 79-84 ये आपका चेस्ट होना चाहिए। और ST के लिए जो है 160 रखी गई, 6 सेंटीमीटर कम, और उनके लिए चेस्ट जो होगी वो 77-82 रखी गई है। फीमेल के लिए 152 आपकी हाइट होनी चाहिए, और जो ST कैंडिडेट्स हैं फीमेल, उनके लिए 147 की मतलब हाइट होनी चाहिए। वेट जो होगा वो जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 40 किलोग्राम होना चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। और अगर जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो सीने सांस लेने के बाद जो एक्सपेंशन होगा सीने का, वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें जो है फिट बैठते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन सही होता है, तब आपको इसमें गुजरना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। उसमें मेल के जो कैंडिडेट होंगे उनको 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको जो है 16 मिनट में जो है 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो उसके बाद फिर आपका जो है सिलेक्शन हो। तो अगला जो स्टेज होगा वो होगा ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन का, उसके बारे में लोग बात कर लेते हैं। देखिए, कुल मिला के 400 नंबर का होगा, मतलब जो मैक्सिमम मार्क होगा वो 400 नंबर का होगा। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 नंबर का होगा, 2.5 अंक का होगा। सब समय मिलेगा आपको, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और ये टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि आपको जो है कंप्यूटर सेट पर बैठ के एग्ज़ाम देना होगा। हिंदी के अलावा सारे जो मतलब क्वेश्चन पेपर होगा वो बायलिंगुअल होगा, यानी कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। अब आगे देख लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो जनरल हिंदी है, इससे 40 क्वेश्चन आते हैं, ये 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का 40 क्वेश्चन। उसके बाद लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से 24 प्रश्न आते हैं और जनरल नॉलेज से 16 प्रश्न आते हैं, तो ये दोनों एक ही सेक्शन में आता है।
ये भी 100 नंबर का होता है और टोटल मिला के ये 40 प्रश्न होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से 24 नंबर है और जनरल नॉलेज से 16 नंबर है। उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, तो 100 नंबर का ये भी होगा, इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट और टेस्ट ऑफ रीजनिंग, तो 40 क्वेश्चन इससे भी होंगे और 100 नंबर का। तो पूरा जो है मैक्सिमम मार्क हो गया 400 नंबर का हो गया और सब क्वेश्चन इतने हो गए 160 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 160 क्वेश्चन होंगे और 400 नंबर का हो गया। अब देखिए इसमें कंडीशन ये है कि आप चारों सेक्शन में 50% यानी कि आधे आधे प्रश्न, कम से कम आधे प्रश्न आपके सही होने चाहिए, ये कंडीशन है। मतलब ऑल ओवर आपको 50% यानी कि 400 नंबर का है तो इसमें 200 नंबर प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन अलग अलग सब मिला के जैसे अलग अलग जो है हर, जैसे कि 40 क्वेश्चन में से कम 20-20 क्वेश्चन आपका हर सेक्शन में सही होना चाहिए। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए हिंदी सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको जो ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हिंदी मतलब कि ज़्यादा जरूरी है। एक चीज़ और है, इसमें मेरिट नहीं बनाई जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो लोग 50% जो है मार्क जो प्राप्त कर लेंगे चारों सेक्शन में, वो लोग रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये नहीं होगा कि, तो कम से कम मेहनत तो आपको करनी होगी क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इतना आसान नहीं, बहुत सारे लोग अपीयर हो रहे हैं और हर साल जो है एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कठिन होता जा रहा है। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि आपको हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि हिंदी जो होती है आज का हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दी जा रही है। इसका जो सिलेबस होगा वही है, मतलब सबसे पहले तो ग्रामर, हिंदी ग्रामर इसमें अलग अलग दिया गया है तो मैं इस पर वो बात नहीं करूँगा। हिंदी ग्रामर में जो कुछ भी होता है, रस, छंद, अलंकार, शब्द विलोम, तद्भुत, तत्सम, पर्यायवाची और अनसीन पैसेज, मतलब क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, पैसेज दिया जाएगा, फिर उस पर उसका जो टाइटल पूछा जाएगा, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको पता है। तो ये जनरल हिंदी है। देखिए मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें हिंदी के बारे में कई सारे वीडियोज़ पहले से मौजूद हैं और काफ़ी जो प्रशंसित वीडियोज़ हैं वो, ठीक है, आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं। और जो भी टॉपिक छूट रहा है मतलब कि UPSI के लिए, वो सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा। देखिए फ्रेंड्स एक्चुअली में क्या है कि UPSSC हो, जैसे कि SSC का एग्ज़ाम हो, UPSI का एग्ज़ाम हो, या फिर जो है लोअर PCS जो कि आगामी परीक्षा होने जा रही है, लोअर PCS का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी का सिलेबस लगभग एक सा ही रहता है। तो मैं हिंदी का जो सिलेबस होगा, जो मैं इसका करिकुलम होगा, उसको जो मैं पढ़ाऊँगा वो थोड़ा सा लेवल का होगा, मतलब अच्छा होगा, मतलब ऐसा पढ़ाऊँगा कि वो सबके लिए काम आ सके। अगर उसको लोअर वाले देखेंगे, SSC वाले देखेंगे, KVS वाले देखेंगे, DSSB वाले देखेंगे, इवन वो जो लोग TGT और PGT की तैयारी करेंगे तो कर रहे हैं हिंदी से, अगर वो लोग भी देखते हैं तो ये सबके लिए यूजफुल होगा। तो थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्टिव में बताऊँगा, अच्छे से बताऊँगा उसका जो है मतलब कि, और ऑथेंटिक सोर्स भी बताऊँगा आपको कि मतलब, ताकि आपको हिंदी के लिए ज़्यादा जो है परेशान होने की जरूरत ना पड़े, और पूरी हिंदी आपके मैं कवर करवाऊँगा विद PDF भी मैं आपको इसकी अवेलेबल करवाऊँगा। उसके बाद देखिए बात आती है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल विधि होती है इससे भी क्वेश्चन आएंगे और भारतीय संविधान है इससे भी क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बारे में मैं अलग अलग, इसमें देखिए सब कुछ दिया हुआ है ऑल टू ऑल, तो मैं आपको अलग अलग नहीं बताने जा रहा हूँ। सिलेबस में आपको पता है कि मूल विधि में क्या पढ़ा जाता है और जो है इसमें क्या पढ़ा जाता है, संविधान में क्या पढ़ा जाता है, तो पूरा संविधान मैं डिस्कस करूँगा, पूरी मूल विधि पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगा और मॉडल पेपर भी मैं मतलब कि मॉक टेस्ट भी लेता रहूँगा। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ बने रह सकें और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। उसके बाद बात आती है जनरल नॉलेज की, तो अभी तक तो नहीं किया था मैंने, लेकिन आज से मैंने ये सोचा है और ये करने भी जा रहा हूँ कि GK के लिए और GS के लिए एक एक वीडियो में पर डे डालूंगा, उसमें डेली का करंट अफेयर्स होगा और प्लस जो है पिछले साल के जो करंट अफेयर्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो पूरा मैं कवर करवाऊंगा और कोशिश ये रहेगी कि विद PDF मैं कवर करवाऊँ, ठीक है, क्योंकि बिना जो है लिखे तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूँ। तो जो मैं लिखूंगा वो PDF आपके सामने होगी। ये जरूर होगा कि PDF जो मैं पढ़ाऊंगा वो थोड़ा शॉर्ट में होगा, लेकिन जो आपको अवेलेबल होगी वो ब्रीफ में, मतलब कि वो थोड़ा सा डिटेल में होगा, वो आपको डिटेल में मिलेगी। तो और उसके बारे में मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह भी करता रहूँगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ बने रह सकें। उसके बाद बात आती है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट की। देखिए न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो मैथ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इवन फॉर द लोअर PCS, क्योंकि लोअर PCS का जो सिलेबस है उसमें भी जो है कक्षा 6 से लेकर 10 तक की मैथमेटिक्स दी गई है।
तो कुछ चैप्टर्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी अपने जो है वीडियोज़ में, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। बाकी के जितने भी चैप्टर हैं मैं सारे चैप्टर डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ पिछले 10 साल के दौरान सभी परीक्षाओं में, जैसे SSC की परीक्षाओं में, लोअर PCS में, अपर PCS में, यहाँ तक कि UPSC में जो भी सवाल इस लेवल के पूछे गए हैं सारे सवालों को मैं डिस्कस करूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मतलब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं आपको लॉन्ग मेथड ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ, उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड यानी कि ट्रिक्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। उसके बाद देखिए बात आती है मेंटल एबिलिटी टेस्ट की। इसमें क्या होता है, लॉजिकल डायग्राम्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन होता है, और इसमें कॉन्फिडिकेशन होता है, परसेप्शन टेस्ट होता है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस मैं आपको करवाता रहूँगा टाइम टू टाइम, और लगभग मैं मतलब इसका इस तरीके से शेड्यूल होगा कि ताकि आपका जो सिलेबस होगा वो अगले 2 महीने में कवर हो जाए, ठीक है। इस तरह से मैं डिज़ाइन करूँगा टेस्ट को, और जो कुछ भी छूटेगा उसकी PDF मैं आपको देता रहूँगा डायरेक्टली। अगर आपको लगेगा समय कम है तो उसकी PDF मैं आपको डायरेक्टली देता रहूँगा। और एक चीज़ और भी रहेगा कि उस दौरान अगर आप चाहें तो मुझसे आप सीधे संपर्क कर पाएंगे। मैं उसके लिए एक WhatsApp नंबर जो है अभी नहीं जारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैं दूंगा आपको, ताकि आप अपने क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे मुझसे डिस्कस कर सकें। चैनल पर लिखने के बाद हो सकता है मैंने आप हो, लेकिन WhatsApp में डायरेक्टली आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकूँगा। उसके बाद बात आती है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट और टेस्ट ऑफ रीजनिंग की। तो सारे क्वेश्चन से आप गुजर चुके हैं, ये क्वेश्चन इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं इसमें जो पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी जो टाइप्स होगा वो काफ़ी अच्छा होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके जो टाइप्स होंगे क्वेश्चन का जो हार्डनेस लेवल होगा वो भी ठीक ठाक होगा। तो जो मतलब कि मॉडल क्वेश्चंस होंगे, जो मॉडल पेपर्स होंगे जब हम उसको सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ इनको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड अप्लाई किया जाता है, क्या ट्रिक्स अप्लाई किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। आगे जो वीडियोज़ मैं बनाऊँगा उसमें आप देखते रहिए और हमारे से जुड़ते रहिए। लेकिन फ्रेंड्स ये सब चीज़ें मैं तभी कर पाऊँगा जब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मुझे सपोर्ट करेंगे, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि जब तक अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तब तक काम करने में ना मज़ा आता है, ना मन को मोटिवेशन मिलता है, ना प्रेरणा मिलती है। सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ फ्री है, पूरे दिल से मैं आपकी मदद करूँगा। शर्त बस एक है कि आपका नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन, जितने लोग सब्सक्राइब करोगे मैं उतनी मेहनत करूंगा आपके लिए। लेकिन जितना अधिक रिस्पांस मुझे मिलेगा आपकी तरफ से, जितने लाइक्स आएंगे, जितने कमेंट्स आएंगे, जितने शेयर्स आएंगे और जितने सब्सक्रिप्शन आएंगे, यही डिपेंड करेगा कि मैं आपके लिए जितना करोगे मैं उतना करूंगा आपके लिए, इतना तो निश्चित है, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्पेशल क्लासेस भी लूँगा आपके लिए, बिल्कुल मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर्स वो बढ़ रहे हैं तेज़ी से, मतलब आप लोगों का ट्रस्ट मुझ पर बन रहा है, तो मैं उस ट्रस्ट को बनाने की अपनी जो है पूरी कोशिश करूंगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। उसके बाद देखिए ये पूरा जो है सिलेबस मैंने आपको बता दिया, तरीका बता दिया, और ये भी बता दिया कि तैयारी कब से शुरू हो रही है, और इसके लिए जो वीडियोस होंगे वो कल से आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो है अपने वादे को निभा सकूं, लेकिन वादा निभाने की शर्त मैंने आपको बता दी है। इसके लिए आपको मेरे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।